अपना घर हो। मोदी सरकार ने देश को स्वस्थ रखने के लिए अपनी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन का ऐलान किया। ये योजना देश के सभी क्षेत्रों के लिए है, लेकिन इस योजना से पश्चिम बंगाल बाहर रहेगा। यह निर्णय करने वाला बंगाल पहला राज्य बन गया। मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश करते हुए इस योजना के बारे में बताया, जिसमें 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। बजट में ऐलान करते हुए इस स्कीम का नीति आयोग ने खाका तैयार किया। इसका नाम आयुष्मान भारत रखा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि काफी मेहनत से अर्जित किए गए अपने संसाधनों को राज्य बर्बाद नहीं करेगा। इस स्कीम के लिए 40% रकम राज्यों को देनी है। एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जब राज्यों के पास पहले से स्कीम है तो दूसरी स्कीम में राज्य पैसा क्यों दे। पश्चिम बंगाल के सीएम बनर्जी का सवाल है कि आखिर राज्य सरकार क्यों इसके लिए पैसे खर्च करे। ममता ने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त की, जबकि हमें हर साल पिछली सीपीएम सरकार के लोन के लिए 48,000 करोड़ रुपए केंद्र को देने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम के तहत 50 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। ऐसे में उनके राज्य को इस स्कीम की कोई जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने केंद्र पर विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए धमकी दी कि यदि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी जन विरोधी नीतियां नहीं बदली तो वो उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।